माननीय प्रधानमंत्री जी के कल के और हाल के बयानों से एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात का पहले चरण का चुनाव हार चुकी है। प्रधानमंत्री की बौखलाहट और जिस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं वो प्रधानमंत्री पद की शोभा नहीं देता। देश के प्रधानमंत्री से ये अपेक्षा की जाती है कि वो शालीनता से बात करे, ऐसी भाषा और शैली प्रयोग करे जो उनके पद के लिए उचित हो। ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर अपने पद की गरिमा को चोट पहुंचाते हैं और प्रधानमंत्री पद की साख को गिरा रहे हैं। पहली बार भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने निराधार आरोप और गैर जिम्मेवाराना बयान, विरोधियों के प्रति कड़वे शब्द अपशब्द का प्रयोग किया है। हम निंदा करते हैं इस बात की कि प्रधानमंत्री ने जो उच्च संविधान पदों पर रहे, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पर जो कल आरोप लगाया है सांकेतिक भाषा में, रिकॉर्ड कर सकते हो, मैं तो बोलता रहूँगा, ये रोज़ दिल्ली में बिजली जा रही है, वे विकास का नया मॉडल है। तो प्रधानमंत्री ने जो कल कहा वो निंदनीय है। पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दशकों तक देश की सेवा की है, वो सम्मानित भी हैं और देश के प्रति निष्ठा में जो उनके निष्ठा रही, उनका योगदान रहा, उस पर भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसी बात कहना बड़े दुख की बात है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, वो अपनी जिम्मेवारी, कूटनीति और भारत के हित को शायद नरेंद्र मोदी जी से बेहतर समझते हैं। प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि एक सामाजिक फंक्शन में जहां भारत हमारे देश के अंदर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री, जो मैंने जानकारी की है, किसी शादी में शामिल होने के लिए आए थे, और उनके स्वागत में एक भोजन का आयोजन किया गया जिसमें तमाम भारत के पूर्व उच्चायुक्त जिन्होंने पाकिस्तान में काम किया है, भारत का प्रतिनिधित्व किया है, वो शामिल थे। सेना के पूर्व अध्यक्ष शामिल थे, बड़े बड़े पत्रकार शामिल थे, नाम सार्वजनिक हैं, आपको भी मालूम है। पर भी हाल में जो भारत के दो हाई कमिश्नर्स रहे पाकिस्तान में, शरद सबरवाल और राघवन जी, वो शामिल थे। के शंकर वाजपेयी जी, नटवर सिंह पहले हमारे वहाँ पाकिस्तान में रहे डिप्टी हाई कमिश्नर, मनीष शंकर अय्यर जी स्वयं कराची में कौंसल जनरल रह चुके, और पत्रकारों में भी वरिष्ठ लोगों के नाम हैं, और भारत सेना के पूर्व अध्यक्ष जनरल दीपक कपूर जिन्होंने कल स्वयं बयान दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति किसी बातचीत में शामिल नहीं थे। हम नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि कब से ये नियम बना
कि खाने में जाने के लिए शामिल होने के लिए सरकार को सूचना और सरकार से अनुमति ली जाए? ये मेरा सीधा प्रश्न है उनसे, और इससे जुड़ी बात है। नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कूटनीति को, उसकी गंभीरता को नहीं समझा, केवल उसको जीवन में फोटो अपॉर्चुनिटी और इवेंट समझा। आज देश को उनको यह जवाब देना चाहिए। हमने बार बार ये सवाल किया है कि क्या बात हुई थी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल जांजुआ के बीच बैंकॉक में 2015 में, जिससे आश्वस्त होके नरेंद्र मोदी जी, ये तो प्रधानमंत्री के रूप में गए, लाहौर उतरे, रायबंद गए, तोहफे लेकर गए यहाँ से, और कहा ये कि अचानक कार्यक्रम बना। जाहिर है कि उन्होंने जो तोहफे दिए वो भी शादी में शामिल होने गए थे, जन्मदिन भी था जिसकी बधाई देने गए थे, तो वो तोहफे उन्होंने काबुल के बाज़ार से तो नहीं खरीदे थे, सोच कर गए थे, और अपमान कराया देश का। वो तिरंगा लेकर जाते हैं जहाज़ पर, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में गए थे, पर्यटक के रूप में नहीं गए थे। वही पाकिस्तान की ज़मीन पर जब उतरे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को सलामी नहीं मिली, सम्मान नहीं मिला। इस बात का जवाब आज तक भारत को नहीं पता। ये भी नहीं पता कि क्या बातचीत हुई थी, क्या आश्वासन दिए गए थे। देश को ये ज़रूर पता है कि उसके बाद सौगात में हमको क्या मिला। हमको पठानकोट मिला, पहला हमला चार दिन के बाद, उसके बाद जम्मू छावनी पे हमला हुआ, उधमपुर मिला, उरी मिला, निरंतर हमले हुए। ये इनकी पाकिस्तान की यात्रा है। आज प्रधानमंत्री अपनी बौखलाहट में और भारतीय जनता पार्टी की निश्चित पराजय को देखते हुए लोगों को भावुक और भ्रमित करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को अपने शब्द वापस लेने चाहिए और अपने पद की गरिमा को बनाने के लिए, जो उसको नुकसान हुआ है उसको थोड़ी भरपाई करने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसे जानकारी उनके पास, तो बहुत गंभीर बात है। चुनाव के लिए सत्ताधारी दल गलत हथकंडे अपनाए, उसको देश स्वीकार नहीं कर सकता। हमारा पूरा विश्वास है कि गुजरात के मतदाता, गुजरात की जनता समझदार भी है, परिपक्व है, विवेक रखती है। वो प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के ये हथकंडे और कल के बयान को समझ लेंगे, और दूसरे चरण में भी इनके इस तरह के प्रचार का, दुष्प्रचार का, इनको जवाब देंगे, इनको सज़ा देंगे।